बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स कलीग्स एंड स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस एक छोटी सी वीडियो में मैं एमडीकैट के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हाल ही दिनों में अपना टेस्ट दिया है एमबीबीएस के लिए उनके साथ गपशप करना चाहता हूँ। पिछले कुछ रिजल्ट्स पिछले साल होंगे उनको डिस्कस करेंगे और फिर एक मीन एग्रीगेट निकालने की कोशिश करेंगे। और ये आपको एट द एंड आपको एक एक्सपेक्टेड जो मेरिट है जो 2019 का बन सकता है उसको डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। सबसे पहली बात यह है कि पिछले कुछ सालों का जो रिजल्ट्स है हमारे पास, पिछले 7 सालों के रिजल्ट्स मैंने निकाले हैं और वो क्लोजिंग मेरिट जो है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से लेकर लास्ट वाला जो कॉलेज है डीजी मेडिकल कॉलेज तक, वहाँ मैंने 7 सालों के रिजल्ट्स निकाले हैं। 2012 में जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 89.9450 था और इसी तरह डीजीएमसी का 84.2283। इसी तरह 2013 में ये बढ़कर 89 से 90 हो गया और 88 दूसरा जो था वो 85.9957 हो गया। 2013 में ये कम हुआ है 90.2662 और 85.5355। इसी तरह 2015 में और कम हुआ 90.2312 85.3186। इसी तरह 2016 में स्लाइटली बल्कि नहीं काफ़ी सारा इंक्रीज हुआ, 90 से 92 का जंप लग गया, 92.3623 से लेकर 88.6273 पे। और इसी तरह 17 में ये जंप लगा, स्लाइटली जंप था 92 से 4909 से 88.9909। और फिर इसी तरह 18 में ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज वाला जो क्लोजिंग मेरिट था वो तो तकरीबन उधर ही रहा, लेकिन दूसरा वाला जो था वो काफ़ी कम हो गया, ऑलमोस्ट पूरे 1 पॉइंट का जो था वो कम होने के बजाय थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, बस स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ, 99 से 89.09 पे हुआ। तो ये आपने दो जो कॉलम देखे हैं, एक में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और दूसरे में जो डीजी मेडिकल कॉलेज है उसके क्लोजिंग मेरिट्स की मैंने एक आपको रेंज बताई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पिछले 7 सालों का रिजल्ट था। अच्छा, अब अगर इनको हम ग्राफिकली देखने के, कुछ लोगों को होता है वो ग्राफ बनाकर देखना चाहते हैं कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ। अब देखते हैं, अगर 2012 में ये मेरिट यहाँ पर था, 13 में इंक्रीज़ हुआ, 14 और 15 में स्लाइटली नीचे आया और 15 से फिर जंप किया 16 पे और 17, 18 में ये स्लाइटली इंक्रीज़ करता रहा। ये था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का। दूसरा जो था, जो दूसरे हैं और उनकी दरमियान वाली रेंज और फिर लास्ट वाला जो क्लोजिंग मेरिट था उसमें भी वही रेशो थी, 2012 में ये कम था, 13 में फिर इंक्रीज़ हुआ, 14, 15 फिर नीचे आ गया और 16 में काफ़ी बड़ा जंप लगा और फिर 17, 18 में ये ऑलमोस्ट इधर ही रहे। अच्छा, अब अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को लोएस्ट जो मेरिट था क्लोजिंग मेरिट था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से लेकर डीजीएमसी कॉलेज तक, अब अगर हम सारी वैल्यूज़ को प्लस करें और उनको 7 से डिवाइड करें, क्योंकि हम 7 का एवरेज निकाल रहे हैं, तो जो अपर लिमिट मेरे पास आ रही है वो तकरीबन 91.2414 आ रही है, यानी मैक्सिमम जो क्लोजिंग मेरिट हो सकता है, क्लोजिंग मेरिट मैक्सिमम वो 91.2414 था और जो मिनिमम क्लोजिंग मेरिट हो सकता था वो 86.8214। अच्छा, फिर मैंने इन सारे रिजल्ट्स का एग्रीगेट निकाला है तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, 89.0327। ये वो रिज़ल्ट है, कमाल की बात, देखें ये सारे रिजल्ट्स के एग्रीगेट निकाले मैंने तो मुझे पता चला कि ये जो लास्ट ईयर था 89.0327 था, ये सबसे टर्निंग पॉइंट है इन सारी वैल्यूज़ का। और ये इस वीडियो की सबसे मज़े की बात है कि मैंने 7 सालों के जो मिनिमम और मैक्सिमम सारे रिजल्ट्स हैं जब उनके एग्रीगेट निकालें तो पिछले साल जो आपका मेरिट था वो बन रहा है, यानी 89 पे क्लोज हुआ आपका पिछले साल वाला मेरिट। इससे फिर हम एक स्टेप आगे जाएं अगर, तो फिर मैंने जो एक्सपेक्टेड एग्रीगेट निकाला है MBBS का 2019 का, जो सारे स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करने के बाद उनके कैलकुलेटर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल ये मेरिट थोड़ा नीचे आएगा और कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, कोई 0.5 का फ़र्क पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, यानी 89 की बजाय ये 88.50 से लेकर 89.50, ये मैक्सिमम, वो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस दफ़ा थोड़ा सा नीचे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दो सालों में जो मार्किंग लेवल रहा है वो थोड़ा डिफरेंट था और टफ था। इस बेस पे मैं ये बात कह रहा हूँ
मार्किंग के लेवल और उसकी जो टफनेस थी उसकी बेस पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरिट थोड़ा सा इस साल 0.5 के डिफरेंस से नीचे आने के चांसेस हैं। अच्छा, उसके बाद रिक्वायर्ड एंट्री टेस्ट मार्क्स, आपको कितने मार्क्स चाहिए। मिसाल अगर आपके आपके एफएससी में 1000+ मार्क्स हैं तो फिर एंट्री टेस्ट में आपका 145+ के साथ काम चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आपके एफएससी में 950 मार्क्स हैं तो आपको 155+ मार्क्स चाहिए। इसी तरह एफएससी में अगर 900+ मार्क्स हैं तो आपको 10 मार्क्स और ऐड करें, 10 से 19 मार्क्स तक ऐड करें, 165+ मार्क्स आपको चाहिए। इसी तरह एफएससी में अगर आपके 850 मार्क्स हैं तो आपको 175+ मार्क्स जो हैं वो ज़रूरत पड़ेगी क्वालिफाई करने के लिए। सीट्स रेशो एप्लीकेंट्स, ज़रा एक एनालिसिस करते हैं, इतनी मज़े की बातें होनी है तो इसमें एक और एनालिसिस करके देखते हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में AJK और दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उनको भी मिला के देखा जाए तो तकरीबन 4000 सीट्स हैं, 3500 से 4000 सीट्स हैं हमारे पास, और 75000 से 80000 स्टूडेंट्स ने तकरीबन एप्लीकेंट हैं जो जिन्होंने MDCAT के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर हम इसकी रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो बनती है 120, यानी 20 लोग एक सीट के ऊपर कम्पीट करने जा रहे हैं, 20 लोग एक सीट, दैट इज़ अ टफ जॉब। यानी एक सीट है और उसके ऊपर 20 एप्लीकेंट हैं जो फाइट कर रहे हैं। ओके, तो इन केस यू कैन नॉट क्वालिफाई, खुदा न खासा आप क्वालिफाई नहीं कर पाते किसी भी वजह से, मार्क्स कम आए, एंट्री टेस्ट सही नहीं हुआ, किसी भी वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, देन वॉट, जिंदगी ख़त्म नहीं होगी, दुनिया ख़त्म नहीं होगी। सेल्फ फाइनेंस की ऑप्शन आपके पास है, प्राइवेट करने की ऑप्शन आपके पास है, MBBS इन फॉरन आप फॉरन में कर सकते हैं, और अगर आपको मेडिसिन ही करना है, मेडिसिन में ही रहना है तो फिर BCO और फील्ड्स हैं, आप अदर फील्ड्स हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वजूद भी अगर आप ना कर पाए, आपने MBBS खुदा खासा कर ही नहीं पाए, दैन वट, फिर मैं वही कहूँगा कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, दुनिया ख़त्म नहीं हुई, हज़ार से ज़्यादा शोबे ऐसे हैं जो आपकी राह देख रहे हैं, आपकी राहों में आपके इंतज़ार में फूलों का हार लगे खड़े, हो सकता है कि आप उन फील्ड्स में जाके बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाए। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि वो डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं, ये दोनों लोग MBBS थे लेकिन अल्लाह ताला ने इनके जुम्मे कोई और काम लगाया हुआ था, इनसे कोई और काम लेना था तो वो उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सके, वो किसी और दूसरे फील्ड, उनका नाम जो था डॉक्टर जाकिर नायक और इसरार अहमद जो हैं, इनका नाम जो है वो MBBS में प्रैक्टिस की वजह से नहीं बल्कि दावत दीन की जो प्रैक्टिस थी उसकी वजह से हुआ। तो फिर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी भाई, लाइफ इज़ नॉट ओवर, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें आप अपना नाम कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और आप शोहरत भी हासिल कर सकते हैं और इंसानियत की खिदमत भी कर सकते हैं। सो बेस्ट विशेज टू यंग डॉक्टर्स, अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू द डॉक्टर्स ऑफ फ्यूचर, मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस इन योर लाइफ, आमीन। और मेरी तरफ से मोहम्मद आफ्ताब की तरफ से, मेरी अल्फा साइंस एकेडमी जो कि मेरा चैनल है उसकी तरफ से आप सब लोगों को वेरी बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, और नेक्स्ट वीक डेज में मैं MBBS और दूसरे तीसरे जो डिसिप्लिनस हैं उनके ऊपर भी एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाले जो वीडियोज़ आपको मिलती है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।